तो भाई लोग कैसे हो गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने हर एक बीजीएमआई प्लेयर की मार रखी है, खोले और बिना खोले दोनों तरीके से। अबे साले। एंड गाइज, इस पर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं, पर आज की वीडियो के अंदर मैं कोई सेटिंग वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ एंड आपको भी वो करने होंगे, जैसे कि आपको कौन सी सिम यूज करनी चाहिए, किस तरीके की जगह पर नेटवर्किंग अच्छी होती है एक्सेट्रा। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप में से 80% बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने सब कुछ ट्राई किया होगा पर हाई पिंग फिक्स नहीं हुआ। तो बात समझिए, इसमें यूँ नहीं है कि जो टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों ने अप्लाई करी वो गलत थी। समझ नहीं आया, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो, टिप्स एंड ट्रिक्स एक मेडिसिन की तरह है और मेडिसिन मरीजों पर असर करती है, ना कि मुर्दों पर। तो पहले आपको अपने नेटवर्क को जिंदा करना होगा, देन टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई करनी होगी। यही इस हाई पिंग की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सही तरीका है। एंड गाइस, ये जो चीज़ आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये पूरे भी यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताने वाला, क्योंकि कोई नहीं बताता गाइस। एंड एक चीज़ आपको बता दूँ कि यह है ना कि मेरे पे एक बंदे ने कमेंट भी किया कि भाई यूट्यूब तो मैक्सिमम सपोर्ट करता है लाइक 1080p एंड 60fps पे चलता है, लेकिन गेम में पिंग क्यों आई होता है। तो भाई, इसका एक बेसिकली सा रीजन पकड़ लो कि जो यूट्यूब वाली स्पीड होती है एंड जो गेमिंग के लिए स्पीड होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। यूट्यूब डाउनलोड स्पीड पर चलता है एंड गेम अपलोड स्पीड पर चलता है। एंड सेम यही इशू नेटवर्क वालों के साथ में होता है, जो भी नेटवर्क यूजर होते हैं, मतलब मोबाइल नेटवर्क से गेमिंग करते हैं, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो भाई लोग, इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को आपको किस जगह पर गेम खेलना चाहिए, कौन सी जगहों पर नेटवर्क अच्छा होता है एंड कौन सा सिम सबसे अच्छा नेटवर्क स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। तो एक चीज़ बताइए, अभी जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं बाथरूम में खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ समझ रहे हो, क्योंकि अगल बगल बहुत सारा शोर हो रहा है। तो अब हंसना मत कि मैं बाथरूम में खड़ा होकर अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप भी बाथरूम में बैठ के गेम खेलोगे। मैंने बस बता दिया, ये रियलिटी है। एंड तो देखो, आपको करना ये है, सबसे पहले आप लोगों को बेस्ट सिम चूज करना होगा। एंड बेस्ट सिम आप कैसे चूज करोगे, इसके लिए गाइज, आपके फैमिली में अगर लोग तरह तरह की सिम यूज करते हैं, जैसे किसी के पास जियो हो गया एंड किसी के पास एयरटेल हो गया, तो आप दोनों में से खेल करके देखिए कि आपको कौन सा सिम जो है बेटर स्पीड प्रोवाइड करता है। एंड उसके बाद आप ये देखिए कि वो अपने जो आपका घर है जहाँ पर आप खेलते हो, किस एरिया पर या किस कोने पे, कहाँ पर वो सबसे अच्छा प्रोवाइड करता है। एंड मैं बेसिक सा हिंट देना चाहूँ तो गाइज, जो नेटवर्क होता है वो आंगन हो गया एंड छत हो गया, तो कुछ ऐसी जगहों पर जो खुली हुई जगह होती है थोड़ा सा वहाँ पर अच्छा होता है, क्योंकि यार अगर आप एक कमरे के अंदर बैठ जाओगे दरवाज़ा बंद करके, तो वहाँ पे नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। एंड सिम एक और भी तरीके से आप चूज कर सकते हो कि आप अगल बगल जो भी आपके फ्रेंड्स लोग रहते हैं, जो भी जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आप सबसे पूछो कि यार तू कौन सी सिम से खेलता है, सबका पिंग पूछो कि कितना आ रहा है, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। लाइक वोडाफोन, जैसे वोडाफोन के यूजर्स का ज़्यादा अच्छा पिंग आ रहा है एंड आप जियो यूजर्स को आपका कम अच्छा आ रहा है। एंड मैंने यहाँ पर वोडाफोन का नाम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जो एयरटेल का सिम होता है उसमें ज़्यादा अच्छी पिंग आती है, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड सर्किल है उसके अंदर जब भी मैंने पता किया, तो यूँ नहीं है कि जियो गंदा देता है, जियो में 90-120 ऐसे चलता है, एमएस चलता है, लेकिन एयरटेल में 48-50 एंड बहुत हाईएस्ट होता है तो 80 एमएस ऐसा चलता है। तो ये मेरा पर्सनल सर्वे है जिसके अकॉर्डिंग जो एयरटेल है वो बहुत अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करता है। एंड अगेन, अगर हम बात करें प्लेस की, तो मेरे घर पे जब आप नीचे चले जाओगे, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, नीचे वाले हॉल पे मतलब बहुत ही गंदा नेटवर्क आता है, लेकिन जैसे ही मैं छत में चला जाता हूँ या हॉल पे चला जाता हूँ, आंगन पे चला जाता हूँ, तो बहुत बढ़िया नेट स्पीड देता है। एंड मेरे गांव में भी सेम यही प्रॉब्लम है, घर पे स्पीड अच्छी नहीं देता लेकिन हार में अच्छी स्पीड देता है, हार बोले तो जहाँ पे खेत वगैरह होते हैं। एंड कहाँ पर नेटवर्क स्पीड अच्छी आ रही है मेरे सिम की, ये चीज़ भी मैंने एक्सपेरिमेंट करी थी एंड इसी के थ्रू मुझे पता चला था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको भी सेम ऐसे ही करना है, इसके लिए आपको आप स्पीड टेस्ट साइट में टाइप करिएगा एंड उसके बाद रन स्पीड टेस्ट। तो वहाँ पे जब स्पीड टेस्ट रन होगा तो सबसे पहले डाउनलोड स्पीड रन होती है, देन उसके बाद अपलोड स्पीड रन होती है। तो आप हर जगह की अपलोड स्पीड को चेक करिए, मिनिमम 1 MB होनी चाहिए ग्रीन पिंग के लिए। अगर 1 MB से नीचे आ रही है तो आपका पिंग रेड ही चलेगा या तो येलो रहेगा, ग्रीन नहीं हो सकता। एंड ग्रीन से मेरा ये भी मतलब नहीं है कि 100 हो जाए, मेरा मतलब है 80-70 या 48 होना चाहिए।
तो आपको समझना है ना कि आपको हर जगह जगह पे जा करके हर एक डिफरेंट नेटवर्क से ट्राई करना है कि कौन से सिम की अपलोड स्पीड किस जगह पर ज़्यादा है। तो जब आप ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो आपको एक बेस्ट प्लेस एंड बेस्ट सिम आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद जो मैंने पिछली ट्रिक बताई है उसके अंदर मैंने कुछ सेटिंग्स वगैरह बताई हुई हैं, उनको जा करके अप्लाई करिएगा एंड उससे क्या है ना कि जो गुड होता है ना, गुड और बेटर में अंतर होता है, तो वही हो जाएगा आपके साथ में। अभी आपको सिर्फ अच्छी मिलेगी और जब आप वो टिप्स एंड ट्रिक इस ट्रिक के बाद अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छी एमएस मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल घटिया लगी होगी, लेकिन क्लिक किया है तो लाइक करके जाओ एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।